तो हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हुआ पहले की तरह अच्छे ही होंगे। तो आ गया भाई, आ गया विन लेटर का वर्जन 7.0 अपडेट आ गया, और बहुत ही ज़्यादा कमाल का अपडेट है। मेरे को ये अपडेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड गाइस, इस वाले अपडेट में काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस इंक्रीज देखने को मिल रही है विन लेटर एमुलेटर में, एंड मीडिया टेक वालों के लिए भी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल रही है। तो आज मैंने इसमें गेम चला करके देखा गाइस, बहुत ही ज़्यादा कमाल का चल रहा था मीडिया टेक डिवाइस में भाई। तो इसमें वाइन अपडेट हुआ है, और बॉक्स 86 एंड बॉक्स 64 भी अपडेट हो चुका है, और जो ड्राइवर है मेसा ट्रिप ड्राइवर और जिंक ड्राइवर और VRGL ड्राइवर सब यहां पर अपडेट हो चुका है। एंड मीडिया टेक वालों के लिए परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, सभी डिवाइसों के लिए यहां पर परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई है गाइज। आप खुद जाकर चेक कर लो, मेरे टेलीग्राम पर आपको ये एमुलेटर मिल जाएगा आसानी से, तो जाकर चेकआउट करो। एंड इसको सेटअप वगैरह कैसे करते हैं आइए मैं उसमें गेम वगैरह चला करके दिखाता हूँ, पूरा वीडियो देखिए ठीक है। तो चलिए इस वाले एमुलेटर को करते हैं सेटअप। एंड मीडिया टेक हेलियो G85 में मैं यहाँ पर गेम वगैरह चला करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर कंटेनर का नाम रख देना है, तो आप जो भी चाहो वो नाम रख सकते हैं। तो मैं अपना चरण का नाम यहाँ पर लगा देता हूँ ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने नाम लगा दिया। फिर यहाँ पर स्क्रीन साइज आप अपने हिसाब से, अपने डिवाइस के हिसाब से यहाँ पर स्क्रीन साइज लगा देना ठीक है। एंड फिर आ गया यहाँ पर ग्राफिक ड्राइवर। ग्राफिक ड्राइवर में अगर आपके पास स्नैपड्रैगन वाला फ़ोन है तो आप टर्निप एड्रिनो को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर DXV के सेटिंग पर आना है। यहाँ पर आपको DXV के वर्ज़न को यहाँ पर सिलेक्ट करना रहेगा ठीक है। जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हैं। यहाँ पर FPS वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड मैक्स डिवाइस मेमोरी, तो इसको भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सेटिंग हो गई स्नैपड्रैगन डिवाइस की। अगर आपके पास मीडिया टेक है तो VRGL को यहाँ पर सिलेक्ट करना एंड Wine D3D को यहाँ पर सिलेक्ट करना, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा ठीक है। और यहाँ पर GPU नेम गाइस, GPU नेम यहाँ पर आपको कई सारे इस वाले अपडेट में देखने के लिए मिल जाएगी। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे गाइस, बहुत सारे यहाँ पर GPU नेम आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप अपने हिसाब से जो भी GPU नेम रखना चाहो वो रख सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये वाला रखता हूँ ठीक है, NVIDIA G4 GTX 480 को ठीक है। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। एंड यहाँ पर फिर आ गए यहाँ पर वीडियो मेमोरी साइज, तो वीडियो मेमोरी साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बस यहाँ पर हो चुका है सब कुछ। एंड कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर ठीक है। ओके गाइस, कंटेनर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। फिर आपको यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करना है, ये आखिरी सेटिंग करनी है। सेटिंग में जाना है, यहाँ पर बॉक्स 86 वर्जन को यहाँ पर सिलेक्ट करना है ठीक है। जो लेटेस्ट वर्जन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो दो वर्जन यहाँ पर बॉक्स 86 के देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर बॉक्स 64 के वर्जन को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, उसका भी आपको लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पर परफॉर्मेंस रख देना है, यहाँ पर सेकंड में भी परफॉर्मेंस रख देना है, दोनों में परफॉर्मेंस रख देना है ठीक है। फिर यहाँ पर ओके कर देना है। एंड यहाँ पर आपका काम हो चुका है, अब हम एमुलेटर को करते हैं ओपन। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारा एमुलेटर ओपन हो चुका है। यहाँ पर फुल स्क्रीन कर लेते हैं। एंड यहाँ पर हम इसमें खेलने वाले हैं GTA Vice City गेम को। तो उसके लिए हमें यहाँ पर कंट्रोलर चाहिए, तो हम GTA 5 वाले कंट्रोलर यहाँ पर ले लेते हैं ठीक है। तो ये रहे, इसको हम ले लेते हैं। एंड यहाँ पर हो चुका है ठीक है। अब हम इसमें गेम टेस्ट करते हैं GTA Vice City को ठीक है। ओके, यहाँ पर डी फाइल में जाएंगे गाइस, और जहाँ पर भी हमारा गेम है वहाँ पर चले जाएंगे उस लोकेशन पर। तो ये रहा गेम, एंड यहाँ पर GTA Vice City को हम यहाँ पर चला करके आपको दिखाएंगे। ओके गाइस, तो फटाफट से यहाँ पर गेम को कर लेते हैं ओपन, एंड हम आपको दिखाते हैं कैसा चलता है गेम हेलियो G85 वाले फ़ोन में, मीडिया टेक वाले फ़ोन में ठीक है। तो यहाँ पर GTA 5 वाले कंट्रोल यहाँ पर हम ले लेंगे, एंड यहाँ पर हमारा गेम ओपन होने वाला है। ओके गाइस, यहाँ पर गेम ओपन हो गया है। एंड यहाँ पर हम गेम को कर लेते हैं फुल्ली स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं वीडियो स्किप कर लेता हूँ, यहाँ पर फुल्ली आपको गेम प्ले स्टार्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गेम प्ले कितना स्मूथ यहाँ पर रन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चल रहा है। अगर आप भी टेस्ट करना चाहते हो अपने मीडिया टेक वाले फ़ोन में तो टेस्ट कर सकते हो, बिल्कुल स्मूथ यहाँ पर गेम रन आपका होने वाला है बिना कोई दिक्कत के ठीक है। तो जाओ गाइस टेस्ट करो। एंड आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।